हेलो दोस्तों, मैं नाम आशीष शर्मा, आप सबका स्वागत करता हूं मिस्टर रावण पे। और हम वापस आ गए आप सबके बीच एक और अमेजिंग डेली टेक न्यूज का एपिसोड लेके। आई होप आपको हमारी डेली टेक न्यूज काफी पसंद आ रही होगी। तो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। बाकी हमारी जो टेक न्यूज होने वाली आज की, वो भी काफी अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि शुरुआत करते हैं हम स्नैपड्रैगन से। स्नैपड्रैगन का 778G 5G लॉन्च हो चुका है और होनर का जो 50 है वो पहला फ़ोन हो सकता है इस स्नैपड्रैगन के चिप के साथ आने वाला। दोस्तों काफ़ी अमेजिंग होने वाला, क्योंकि काफ़ी पावरफुल चिप है दोस्तों ये स्नैपड्रैगन की तरफ से। बाकी देखते हैं कि जब ये फ़ोन में आता है तो फ़ोन की परफॉर्मेंस कैसी होती है, हमें क्या देखने को मिलता है। दोस्तों अगली न्यूज़ आ रही है गूगल की तरफ से। गूगल का IO इवेंट आज होने वाला है और हमें क्या देखने को मिलने वाला है इसके अंदर, एंड्रॉयड 12 और काफ़ी न्यू फीचर्स भी उसी के अंदर भी, और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड्रॉयड 12 दोस्तों। बाकी IO इवेंट में पता चलेगा कि आपको एंड्रॉयड 12 कैसा देखने को मिलने वाला है, और दूसरी तरफ आपको पिक्सल 6 और 6 प्रो देखने को मिल सकते हैं IO इवेंट के अंदर, और जल्दी ही आ सकते हैं, मतलब ग्लोबली लॉन्च हो सकता है उनका। बाकी काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सारे डिवाइस देखने को मिल जाएंगे आपको गूगल की तरफ से गूगल के IO इवेंट में दोस्तों पिछले दिनों मैंने आपसे बात की होगी कि Redmi 8 2021 एडिशन आने वाला है। तो दोस्तों वो अभी लिस्ट हो गया है ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन पे, और साथ ही में आपको उसके अंदर MIUI 12 प्लस देखने को मिलेगा, यानी कि आपको शायद से 12.5 देखने को मिल जाए उसके अंदर। बाकी देखते हैं कि आपको Redmi 8 है उससे क्या देखने को मिलने वाला है। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा होने वाला है ये स्मार्टफोन। बाकी देखते हैं हमें Redmi की तरफ से क्या देखने को मिलता है Redmi 8 2021 में दोस्तों अगली न्यूज़ है गूगल की तरफ से, कि गूगल अब एक फीचर टेस्ट कर रहे हैं अपने गूगल फोटोज़ के अंदर। वो है कि आप अपने हिसाब से अब कंटेंट सर्च कर पाएंगे। जैसे कि आपको सेल्फी सर्च करनी तो आप सेल्फी सर्च कर लेंगे और सारी सेल्फीज आपको देखने को मिल जाएंगी, और भी अलग अलग तरह के कंटेंट आप सर्च कर सकेंगे। मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हो गया हूँ कि गूगल फोटोज़ में ऐसा ऑप्शन आ रहा है कि आपको ईजी होने वाला है जो भी आप देखना चाहते हैं। बाकी देखते हैं जब ये आएगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर। दोस्तों अगली न्यूज़ ये है कि आपको जब किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो वेरिफिकेशन के लिए आपको कैप्चा देखने को मिलता है, यानी कि आप बस पे क्लिक कीजिए या फिर रेड लाइट पे क्लिक कीजिए कि ओपन हो सके, आप वेरीफाई हो सके आप रोबोट नहीं है, तो वो शायद हट सकता है। क्लाउडफेयर ने उसको रिप्लेस करने की मांग की है दोस्तों, और शायद ये हट भी सकता है और नहीं भी हट सकता है, बट न्यूज़ ये आ रही है कि क्लाउडफेयर ने उसको हटाने की मांग की है। बट उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा डिवाइस चाहिएगा अपने फ़ोन के अंदर ही, जैसे आप खुद को अपने फ़ोन के सामने रखें और वेरीफाइड हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है, क्या हमें कैप्चा हटने को मिलता है या फिर नहीं मिलता है। दोस्तों अगली न्यूज़ है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की तरफ से। आज ही इसका प्री रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है और आप जाके अपनी प्ले स्टोर पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं खुद को। काफ़ी लोगों ने तो अब तक रजिस्टर भी कर चुका होगा। बाकी अगर आपने नहीं किया तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे देता हूँ, आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं और जल्दी ही आप उस गेम को खेल सकते हैं। शायद से जून के फर्स्ट या सेकंड वीक में आने वाला है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया दोस्तों। दोस्तों अगली न्यूज़ है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। आपको विंडो 10 के अंदर कुछ नए डिज़ाइन देखने को मिल जाएंगे, और वो लीक हुए हैं, और उसका डिज़ाइन लगभग जो कैंसिल हुई है विंडो 10X उससे मिलता जुलता है दोस्तों, और काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। बाकी देखते हैं कि हमें विंडो 10 में अब क्या देखने को मिलता है उसके डिज़ाइन के अंदर। दोस्तों अगली खबर आ रही है गूगल की तरफ से। गूगल ने गूगल शोकेस लॉन्च किया है इंडिया के अंदर, उसके अंदर आपको न्यूज़ चैनल है वो देखने को मिल जाएंगे, वो भी 30 दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अब मिसलीडिंग जो इन्फॉर्मेशन है सोशल मीडिया पे काफ़ी फैल रही है। तो गूगल ने एक इनिशिएटिव लिया है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिले वो प्रॉपर मिले और वो वैलिड हो। बाकी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गूगल ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है और इसको शोकेस को लॉन्च किया है दोस्तों। यही हमारी टेक न्यूज़ ख़त्म होती है। आपको अगर टेक न्यूज़ पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।